Namaste, welcome to Geeta's Kitchen. And today I am in Mumbai, here at 4 Bungalows at Manish Nagar Colony. And my son has now brought me to a very special paratha center. He really recommended it over here. It's called as K1 Paratha Center. And he has such a mind-boggling variety of parathas over here. And today our friend, मेरा नाम कृष्णा है कृष्णा और अजय भाई हाँ एंड अजय बोथ ऑफ देम रन दिस अप व्हाट आर योर टाइमिंग्स क्या आपके मैम मॉर्निंग 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 12 घंटा ओपन रहता है क्या क्या बनाते हैं आप लोग मैम यहाँ पे बहुत सारे पराठे हैं सब अलग अलग है और ये अदरवाइज हम लोग कस्टमर चॉइस भी कर देते हैं मतलब जैसा आपकी चॉइस रहती है कि मुझे ऐसा सो दे कस्टमाइज एंड मेक पराठा हियर यू कैन सी सो मेनी मेनी पराठा जो जितने पराठे है ना सभी कस्टमाइज ही है ओके तो आप इसमें से भी आपको अगर अलग बना के चाहिए तो वैसे भी जैसे मैंने अभी बिना प्याज का मांगा था आप वो भी बना रहे हैं ना अच्छा अमूल बटर फ्राई पराठा है घी फ्राई है ऑलिव ऑयल भी है इतने सारे सबसे बढ़िया पराठा कौन सा है आपका? सभी बेस्ट है सभी बेस्ट है अच्छा। आपकी चॉइस अच्छा तो आपने बोला ना एक चीज कॉर्न और क्या बोला था वो चीज कॉर्न कैप्सिकम पराठा बनाएंगे तो अभी उसकी मेकिंग करेंगे हम तो अभी कैप्सिकम कट करेंगे हम यू कैन सी द प्लेस इज वेरी नीट क्लीन एंड हाइजीनिक एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ चीज कॉर्न कैप्सिकम पराठा Absolutely freshly made. आटा भी इधर ही बनाते हो कि वो जी घर से बना के नहीं नहीं घर से कुछ भी नहीं लाते ओके जो भी है ना जितना फिनिश होता है धीरे 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 स्टेप वाइज बनाते रहते हैं जैसे खत्म होने आएगा फिर दूसरा मतलब होल लाइफ कॉन्सेप्ट घर से कुछ नहीं लाते ओके सो फॉर दोस हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दे डोंट मेक एनीथिंग एट होम एवरीथिंग इज फ्रेशली मेड हियर कैन यू सी कैप्सिकम नाउ ही इज कॉर्न फ्रेश ही रहता है हमारा फ्रेश कॉर्न नाउ दैट इज द सीजन है ना अभी मुंबई में कॉर्न का नहीं हमारे पास हर टाइम मिलेगा हर टाइम मिलता है आपको अच्छा मैंने मैंने पहले सुना था मुंबई में भुट्टा बहुत अच्छा टेस्ट आता है करके इसलिए पूछ रही थी मैं जी हाँ अभी कॉर्न की चॉपिंग हो चुकी है हाँ आपके कस्टमर्स ज़्यादातर कितने बजे को आते हैं मैम मेरे कस्टमर अभी कंटिन्यूटी चालू रहते हैं शॉप पे कम रहते हैं लेकिन ऑर्डर हमारे फुल रहते हैं अभी भी ऑर्डर ही ऑर्डर मतलब होम डिलीवरी करते हैं नहीं मतलब जैसे पिकअप होता है कस्टमर फोन करके ऑर्डर दे देते हैं अच्छा। फिर पिकअप करते हैं ओके ओके फिर मैं तो फोन नंबर भी इसमें डाल लूँगी इसको कॉन्टेक्ट करना है आपका फोन और कैप्सिकम आ चुका है अभी अंदर आप ऐड करेंगे चीज तो ये अमूल का ही चीज है अमूल ही चीज यूज करते हैं हम लोग वेरी गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स कितने साल का है आपका बिजनेस मैम ये टोटल 6 साल होने आ गए हैं हम इधर एक ही जी, एक ही है तो पूरे के पूरे ओनली पराठे बनाते हैं जी मैम पराठा स्पेशलिस्ट इन पराठा तो इतनी बारिश हो रही फिर भी आप खड़े होके बना रहे हो पराठे हाँ ये आपका चीज़ आ चुका है इसके अंदर अभी आलू का मसाला ऐड करेंगे अच्छा तो एकदम फ्रेश रहता है आलू का मसाला भी मतलब हल्दी मिर्च नहीं हल्दी हल्दी वगैरह यूज नहीं करते कोई भी पराठा में हाँ। जो भी मिर्च मसाले आप डालते हो अभी आपको स्पाइसी कैसा चाहिए मीडियम मीडियम स्पाइसी तो हम मीडियम हमारा मसाला ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है तो इसके लिए हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे इसके अंदर हल्का सा मतलब उससे लाइटली स्पाइसी आएगा और ये मसाला है जो पराठे के लिए बना हुआ है अच्छा हाँ आप खुद बनाते हैं कि वो लेते नहीं नहीं खुद बनाते हैं इसमें ऑल चीज़ें मिक्स रहती है जैसे पराठे का आप जैसे होम पे बनाते हैं कोई भी खाना जैसा टेस्ट हो तो उस हिसाब से हम मसाला ही तो ये मसाला ही सीक्रेट है आपका टेस्ट आने का ऐसा सीक्रेट नहीं है बनाने का भी तरीका कस्टमर के लिए स्पेशल होता है तो अभी ये मिक्स करेंगे हम सॉरी मैं लेपती हूँ तो अभी ये आटा है हमारा ये ओनली आटा यूज करते हैं कि मैदा मैम इसमें मैदा सोडा आपको किसी में नहीं मिलेगा अच्छा। क्योंकि ये प्रॉपर आटा ही यूज करते हैं ओनली आटा और आपको खा के भी पता चलेगा क्योंकि आटा जितना सॉफ्ट होगा जितना ठंडा होगा उतना सॉफ्ट होगा
रेंज क्या क्या है आपके पराठे के? रेट अलग अलग है, सबके अलग है, 100 से स्टार्ट है हाँ। तो सभी 480 तक है। 480 एक सिंगल पराठे का जी? वो कौन सा है 480 वाला? मतलब वो बहुत अलग अलग पराठे है, उसमें मटेरियल भी वैसे ही जाता है हाँ। वो एक आदमी तो फिनिश नहीं कर पाता अच्छा, देखो क्योंकि दो आदमी ये भी शेयरिंग ही करना पड़ेगा, इतना तो एक आदमी तो नहीं। हमारे कोई भी पराठा है ना हाँ। सारे पराठे फुल स्टफ है, मतलब आपको आटा आटा लगेगा ही नहीं कहीं। तो अभी कब कर रहे हैं ऐसे? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र हूँ। महाराष्ट्र और अजय भाई उत्तराखंड से अच्छा। हम लोग 22 साल से साथ में ही दोस्त हाँ। तो घी से, बटर से, ऑलिव ऑयल से बनाते हैं ना जी? सबका टेस्ट तो अलग अलग आता ही होगा ना हाँ। इसमें 30% कैसा होता है डॉक्टर लोगों का ही हाँ। तो डॉक्टर लोगों का हिसाब अलग होता है, जैसे हम मसाले में खाते हैं डॉक्टर लोग कम मसाला हाँ, तो उन्हीं हिसाब से ऑलिव ऑयल भी चलता ही है उतना ही। नॉर्मल पब्लिक भी ऑलिव ऑयल खाते हैं क्योंकि उनको भी अलग अलग हाँ। अब ये तो अमूल बटर वाले बना रहे ना जी मैम हाँ। अभी हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, कस्टमर का है वो आलू चीज बना रहे हैं। अच्छा दूसरा ऑर्डर आया आपको हाँ। उसके लिए आलू चीज बना रहे हैं, तो हम दोनों देख रहे हैं, एक तो अपना कॉर्न कैप्सिकम पर, ये आलू चीज का जी। अभी इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हल्का ग्रीन चिली क्योंकि चीज़ फीका रहता है, और फिर ये आलू का मसाला। जैसा हमारा स्टेप होता है मॉर्निंग का मॉर्निंग के टाइम पे हाँ। शाम के टाइम वही सोचे तो खराब हो जाएगा ना? नहीं, तो ये पूरा मसाला गरम है जस्ट हाँ, बिल्कुल गरम ही है। अभी मिक्स करेंगे मॉर्निंग का मॉर्निंग और अभी का दिन हाँ। हम लोग तीन ही स्टेप में 10 AM से 10 PM बोले ना आप हाँ। लेकिन मसाले के और आटे के हाँ। हमारे हर टाइम की टाइम है, हम उसी टाइम पे वो चीजें रखते हैं। हम इसको एक तरफ से पलटी करेंगे, अभी आलू वाला हम आलू चीज के लिए आटा लेंगे। सो साइड बाय साइड ही इज मेकिंग अनदर टाइप ऑफ पराठा आल्सो, ये आलू चीज पराठा। तो अपने पराठे में कौन क्या से बटर लगा दिया आप? नहीं वो पहले कुक होगा क्योंकि इसमें जो भी वेजिटेबल डालते हैं हम लोग फ्रेश वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल्स डालते हैं ना, तो उस हिसाब से हम बेसिकली हम लोग ऑल चीज चलते हैं होम मेड। क्वांटिटी ऑफ द स्टफिंग ही इज पुटिंग सो दैट इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द डो। इसके लिए साइड डिश कुछ चाहिए ही नहीं लगता है ना, ऐसे ही खा सकते हैं। इसके लिए हर पराठे के लिए ना आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पराठा ही फ्लेवर वाइज है हाँ। तो आप सब्जी के साथ तो ये पराठा कोई मतलब ही नहीं, बस दही के साथ खा सकते हैं हाँ। दही और इसके साथ पीनट गार्लिक का चटनी है हाँ। जो मराठी में हम लोग ठेचा बोलते हैं। ठेचा अच्छा अच्छा, पीनट गार्लिक का चटनी, वो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता है ना? नहीं, लाइटली स्पाइसी है कि ऑल कस्टमर खा सके। थर्ड बनाने जा रहे हैं हम पनीर आलू अच्छा हाँ, तो ये पनीर है हमारा, वो दूसरा था चीज आलू और ये पनीर आलू जी। तो ये लोग फोन करके आपको बोल दे, आप रेडी करके रखते जी, हैं फोन को देने के, क्योंकि यहाँ पे हर पराठे के लिए टाइम होता है हाँ। हर पराठा मतलब जैसा कि
धीरे धीरे पकता है तो टाइम लगता है, तो उस हिसाब से कस्टमर बनाते हैं और आज जी पैक करके करके उनको देते हैं। पैकिंग किस में करते हैं आप? बॉक्स पैकिंग है। दो मिनट, अब पैक होगा ना। अजय मटर निकाल, एक मिनट सर। ये बनाने जा रहे हैं आलू पनीर, तो अभी इसमें मसाला ऐड करेंगे हम। मसाला आ गया, और ये आलू का मसाला, क्योंकि कस्टमर के अलग अलग चॉइस होती है उस हिसाब से ही बनेगा। नहीं सब में नहीं, जैसे कि गोभी का परांठा डालते हैं उसमें नहीं डलेगा ना? नहीं, ओनली गोभी अलग है, गोभी प्याज अलग है, गोभी आलू अलग है, गोभी आलू प्याज अलग है। अच्छा, तो अभी आपका चीज कौन है बटर में, तो अभी हम ऊपर से बटर ऐड करेंगे। ये बटर आया, वापिस ऊपर से बटर डाल, मोर बटर ऑन टॉप। ये आपका अभी फाइनल हो चुका है पराठा, तो हम ऐसे डॉट करते हैं ताकि बटर उस पर रुका रहे। ये बटर वापस से उस पर, तो अभी यहाँ पे आप कट कीजिए यहाँ पे। नाउ द पराठा इज रेडी टू बी सर्व्ड। मेथी प्याज पराठा, मेथी इज फ्रेश फेनुग्रीक लीव्स, मेथी है इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, क्योंकि ये मेथी प्याज बना रहे हैं, तो इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे, जितना स्पाइसी चाहिए उतना। इसमें हम मेथी के साथ रोस्टेड गार्लिक ऐड करते हैं, क्योंकि हर में गार्लिक और रोस्टेड गार्लिक जो ऐड करते हैं वो हर चीज़ में टेस्ट आता है। गार्लिक है ये ऐड किया हमने, मेथी लीव्स, ऑनियन, रोस्टेड गार्लिक, इसे दैट ऐड द स्पेशल फ्लेवर टू द पराठा। तो अभी इसमें हम मसाला ऐड करेंगे पराठे का, अभी इसके अंदर हम आटे के साथ ही भूनते हैं, क्योंकि ये पराठा होता है हमारा ठेपला टाइप की। अभी इसको वाटर से जितना आप मुकर दिए, और कोई भी मेथी पराठे का है ना, हम आटा फ्रेश ही रखते हैं, क्योंकि बना के नहीं रखते। एंड एज कृष्णा सेज, द नीटनेस ऑफ हिज काउंटर टॉप एंड हिज गैस स्टोव इज द वेरी सेम नीट राइट व्हेन ही बिगिंस हिज वर्क एट 10 AM टिल द टाइम ही क्लोजेस शॉप एट 10 PM ही कीप्स ऑन वाइपिंग द टेबल टॉप, काउंटर टॉप एंड द लिड्स ऑफ दिस एवरीथिंग एवरी नाउ एंड देन एंड मेंटेन्स इट नीटली। How deftly he moves his hands to roll out this meaty paratha. Let's go.
होल बटर। It's more like a tepla, na? Because it has got no stuffing. It is mixed with the atta and then you make it. आपके regular customers भी बहुत होंगे ना जो बार बार आते हैं। गर्मी के दिन में शायद मुश्किल हो जाएगा। मौसम हम तो यहाँ के नहीं है, हम केरल के हैं। हाँ, हम भी हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, इसके बारे में सुना, हम सुधा जाके खा के जाए, बहुत अच्छा बना है। सो हियर इज अनदर कस्टमर हु हैज कम ऑल द वे फ्रॉम केरला जस्ट टू टेस्ट हिज पराठास। सो यू हैव ए लाइव अप्रिसिएशन ऑफ हिज पराठास एकदम हाइजीनिक। वो तो हर दो मिनट साफ करता रहता। कोई बोले कि ग्लव्स नहीं पहना, ग्लव्स पहने से क्या स्टफिंग करना मुश्किल हो जाएगा और आटा बेलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट दिस इज वेरी हाइजीनिक, कोई बात ही नहीं। और मेहनती हो गया भैया, थैंक यू सर। चटनी आप बोलो ना सर, वो पीनट गार्लिक का चटनी है, महाराष्ट्र स्पेशल है वो। ओके, थैंक यू अजय, थैंक यू कृष्णा, बाद में फोन पे बात करेंगे। हाँ right off the stove, super fresh hot parathas, and on a rainy day I'm sure you'll love it. And if you feel they are using their hands, don't worry at all, they are very very clean hands which they have washed thoroughly and making it with a lot of love. ये हमारी चटनी है, यही तेचा बोलते हैं। हाँ, गार्लिक एंड पीनट गार्लिक और हरी मिर्च, पीनट गार्लिक एंड हरी मिर्च। बहुत स्पाइसी रहते हैं क्या वो? नहीं ज्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सा मीडियम। आप इस तरफ आ जाओ, आपको अच्छा मिलेगा। वाओ, सी दिस कॉर्न कैप्सिकम पराठा विद कर्ड, आई जस्ट इवन कांट होल्ड इट इन माय हैंड। अरे प्लेट दे दो, आप इस तरफ आ जाओ, आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं। Hot parathas right off the tawa is ready. It also has come with a little bit of curd and this typical Maharashtrian pickle known as pickle or chutney known as techa with peanuts, green chilies or garlic. Okay, this is the techa chutney, and here you have your menu card with all the different types of parathas. Amul butter, ghee fry, olive oil fry, and see, it is here extra dahi and they use only pure atta. So many varieties of cheese paratha, some cheese halu, or what else is there? Cheese paneer, and they are special parathas, double cheese, paneer corn, double cheese, gobi, chilli, garlic paratha. Wow, mind-boggling variety. And as I said, this one cannot be eaten by one person. Easily about 3 or 4 people can share this plate of parathas. And make a note of these numbers here. If anybody wants, you can order it beforehand, of course, those of you who are in this area, and they will keep it ready for you and pack it for you. When you want to eat it here, you can take home pack also, lovely take home pack, just like a pizza pack, and I can open it and show you. Wow, this is the cheese aloo paratha. Cheese aloo paratha, this curd, curd and peanut garlic chutney, peanut garlic chutney, kecha, Maharashtra kecha, something very special. Oh, I'm sure I'd like to carry it home and have it with other family members too. And of course, I'd like to introduce, this is my
that's how fresh it is right off the tava with the cheese, corn and the capsicum. Absolutely delicious. And I would definitely add, not only for the taste of the paratha, I'm totally floored by the courtesy and affection shown by Ajay and Krishna. The way they speak to us is so, so good. As in, I've known them for a very long time. So lovely people to come to know. Definitely do come and try it out sometime. Thank you.